आज की वीडियो में मैं आज आपके साथ ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करी हूँ। ये फेस्टिवल मेकअप ट्यूटोरियल है। बहुत टाइम से मैंने जो है कोई फेस्टिवल मेकअप लुक जो है वो शेयर नहीं किया था। काफ़ी अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ ये वाला लुक आज मैंने क्रिएट किया है। तो बहुत सारी गर्ल्स और लेडीज़ को ऐसा होता है ना कि उनके पास मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, जितने होते हैं वो उनसे मेकअप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से ड्रेस पहनी हुई है, ये मीशो से मैंने ऑर्डर की थी, तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका जो है हॉल वीडियो लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो और ये वाली ईयरिंग्स भी मैंने जो है मीशो से ही ऑर्डर किए हैं, तो उसकी वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ रोज हिप का टोनर। पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है, हमारे फेस जो है उससे इतना ज़्यादा ड्राई होता है, इतना ज़्यादा ऑयली होता है, इससे हमारा फेस एकदम इक्वल रहता है, हमारे फेस पे ऑयल नहीं आता है, हमारे फेस जो है बहुत ज़्यादा ड्राई एंड इची फील नहीं होता है। तो आपकी स्किन जैसी भी हो टोनर का यूज़ ज़रूर किया कीजिए, समर्स हो या विंटर्स आपने टोनर का यूज़ ज़रूर करना है। नेक्स्ट प्राइमर के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ एलोवेरा जेल, पतंजलि का ये एलोवेरा जेल है, उसको मैं एज ए प्राइमर यूज़ करूँगी। तो एलोवेरा जेल से क्या होता है, आपकी स्किन को डैमेज नहीं होने देता है। मेकअप में बहुत सारे केमिकल्स एंड जो है इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है, जिससे हमारी स्किन उसका डैमेज होने का डर रहता है। लेकिन अगर आप एलोवेरा जेल का यूज़ रेगुलर यूज़ करते रहते हैं, स्किन रूटीन में शामिल कर लेते हैं, तो इससे आपकी स्किन जो है ख़राब नहीं होगी, पैची नहीं होगी और आपका मेकअप भी अच्छा रहेगा एंड आपकी स्किन भी जो है ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर लिया एंड इसको एब्जॉर्ब होने दूंगी स्किन में। उसके दो तीन मिनट के बाद यहाँ पे अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन के लिए NYB का लिक्विड फाउंडेशन। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। इसका शेड नंबर है 02 एंड इसका जो कवरेज है लाइट टू मीडियम कवरेज है। ये फेयर स्किन टोन वालों को जाता है ये शेड। आपकी स्किन मेरे टोन स्किन टोन के हिसाब से तो आप ये वाला शेड परचेज कीजिए। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद फाउंडेशन जो होता है थोड़ी देर बाद जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए आप लाइट वेट फाउंडेशन आप ले रहे हैं तो आपने जो है एक टोन जो है ज़्यादा लेना है, फेयर स्किन टोन वाला लेना है, ताकि ऑक्सीडाइज होने के बाद आपकी स्किन से बिल्कुल फाउंडेशन जो है वो मैच हो जाए। तो यहाँ पे जो है NYB की जो है कवरेज अच्छी है, लेकिन थोड़ी देर बाद यह फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने जो है फेयर स्किन टोन वाला फाउंडेशन लिया है। जैसे पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लीजिए एंड आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी। लाइट वेट वाले फाउंडेशन वगैरह जो यूज़ करते हैं उसको अगर हाथों की हेल्प से ब्लेंड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जितना कवरेज है वो आपके फेस पर ही आएगा। एंड ब्यूटी ब्लेंडर से अगर आप ब्लेंड करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा सारा प्रोडक्ट जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर पर ही लग जाता है और वो अच्छे से जो है कवरेज नहीं देता है। इसलिए फिंगर की हेल्प से अगर आप ब्लेंड करेंगे तो जितना कवरेज फाउंडेशन का है वो आपको ही मिलेगा, आपके फेस पर आएगा। तो यहाँ पे आप ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हाथों की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ईजिली, अच्छे से जो है इसको ब्लेंड करते जाएं हल्के हाथों से, ड्रैग करके नीचे की तरफ ड्रैग कीजिएगा, अपवर्ड मोशन में ड्रैग नहीं करना है। फाउंडेशन यहाँ पे मैंने जो है अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, उसका शेड नंबर है 02। ये मेरी स्किन टोन से जाता है एंड जो है कंसीलर जो है अच्छे से आपके डार्क सर्कल्स को जो है कवर कर देता है, और फाउंडेशन जो है थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए जो है आपके डार्क सर्कल्स पहले ही नजर आने लगते हैं। इसलिए जो है आपने जो है जहाँ पे आपको डार्क स्पॉट्स हैं, जहाँ पे आपके जो है पिगमेंटेशन है या आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, तो आपने वहाँ पे कंसीलर ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि कंसीलर जो है जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है एंड हमारे फेस के जितनी भी इम्परफेक्शंस होती हैं वो कवर हो जाती हैं एंड फाउंडेशन और ऑक्सीडाइज होने के बाद हमारा फेस की जितनी भी इम्परफेक्शन होती हैं वो जल्दी नज़र आने लगती हैं एंड हमारा फेस जो है काला काला सा नज़र आता है। जब आप जो है कंसीलर अप्लाई करेंगे, फाउंडेशन चाहे आप लाइट वेट यूज़ कर लें कोई बात नहीं, लेकिन आपने कंसीलर जो है अच्छी क्वालिटी का अच्छी कंपनी का यूज़ करना है, जो कवरेज अच्छा दे एंड आपके जो स्पॉट्स वगैरह पिगमेंटेशन है वो अच्छे से कवर कर दे, ताकि आपके फेस की जितनी भी इम्परफेक्शन है वो सब हाइड हो जाए एंड अच्छे से आपको कवरेज मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने फिंगर की हेल्प से ही इसको ब्लेंड किया है। फेस पे मैंने फाउंडेशन एंड कंसीलर अप्लाई कर लिया है। उसको सेट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ फेस कनाडा का कॉम्पैक्ट। ये काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है, इससे आपके फेस के जितना भी एक्सेस ऑयल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। आप कॉम्पैक्ट समर्स में ज़रूर यूज़ किया कीजिए। समर्स में क्या होता है कि हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, हम फाउंडेशन जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पोर्स जो होते हैं वो क्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे फेस पे जल्दी से ऑयल आने लगता है और इसलिए जो है हमारे फेस पे स्किन में जो है
वो हवा नहीं पास हो पाती, इसलिए हमारे फेस पे ऑयल बहुत ही ज्यादा आता है। तो आपने कॉम्पैक्ट से अच्छे से सेट करना है ताकि आपके फेस के जितने भी एक्सेस ऑयल है वो रिड्यूस हो जाए और आपके फेस पे ऑयल ना आए। तो फेस कनाडा का जो कॉम्पैक्ट है वो ऑयल फ्री कॉम्पैक्ट है, इसलिए आपके फेस से बहुत ही अच्छे से एक्सेस ऑयल को वो रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे पूरे फेस को जो है इसी कॉम्पैक्ट से मैं सेट कर लूंगी ताकि मेरे कंसीलर पे भी हार्श लाइन वगैरह ना आए और मेरा फेस भी अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अपना फेस अच्छे से सेट कर लिया, आप मेरा देख सकते हैं एकदम मैट फिनिश मेरे फेस पर मिल गई है और मेरे फेस पे जितना भी ऑयल था वो बिल्कुल जो है एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ पे आईब्रोज के लिए यहाँ पे मैं यूज करी हूँ अफोर्डेबल आई पेंसिल, ये एमएन की आई पेंसिल है, ये 20 रुपीज की आपको मैक्सिमम मिल जाएगी। आप लोकल मार्केट से मैंने इसको परचेज किया था एंड बहुत ही अफोर्डेबल है एंड इसको जो है मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी, जो नेचुरल शेप है मैंने उसको ही शेप दूंगी, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हैवी लुक नहीं करूंगी यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने जो है फिल कर लेना है, जो आपकी नेचुरल आईब्रोज है उस पर ही आपने टैप टैप करना है हल्के से, जो फाउंडेशन वगैरह जो आपके आईब्रोज पे लग गए हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाए एंड आपकी आईब्रोज जो है वो नीट एंड क्लीन दिखे। तो ब्रश की हेल्प से मैं सेट कर लूंगी अच्छे से, आप चाहे तो स्पूली की हेल्प से भी सेट कर सकते हैं इस तरीके से। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करूंगी ऐसा फार की आई शेडो पैलेट में यूज करूंगी इसमें। यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से जो है ट्रांजिशन शेड लूंगी, इसको जो है अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूंगी। ट्रांजिशन शेड जो है आपने लिड पर जरूर अप्लाई करना है, उससे क्या होता है आपकी लिड जो है वो एक अच्छी सी इंटेंसिटी क्रिएट होती है और उससे जो है आपका आई का कलर होता है, आपका आई मेकअप होता है ना वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। कलर को अच्छे से जरूर ब्लेंड कीजिए ताकि आपका जो कलर है वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होकर आपकी क्रीज लाइन पे बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लू शेड लूंगी, फिंगर की हेल्प से इसको जो है लिड पर अप्लाई करूंगी। यहाँ पे अच्छे से फिंगर की हेल्प से क्या होता है शिमरी शेड जो अच्छे से पिगमेंटेड आते हैं, ब्रश की हेल्प से इतने अच्छे से पिगमेंटेड कलर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मैं फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूंगी लिड पर, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है, शिमरी शेड है एंड स्काई ब्लू कलर के साथ ये मैं ड्रेस के साथ भी काफी अच्छे से मैच हो गया है। यहाँ पे मैं यूज करी हूँ NYV का काजल, जो है लाइनर के लिए मैं यूज करूंगी ब्लू हेवन का वॉल फ्ली आईलाइनर, ये काफी अच्छी क्यूट पैकेजिंग में आता है इस तरीके से येलो कलर में एंड ये काफी अच्छा आईलाइनर है, मुझे काफी पसंद आया है क्योंकि काफी अफोर्डेबल है, वाटर प्रूफ तो नहीं है। सिंपल यहाँ पे मैंने विंग लाइनर क्रिएट किया है इस तरीके से। तो ब्लशर के लिए मैं यूज करी हूँ स्विस ब्यूटी का बेक्ड हाइलाइटर, ब्लशर ये 2-in-1 है तो हाइलाइटर एंड ब्लशर की तरह दोनों ही तरह के यूज करूंगी, काफी अफोर्डेबल है एंड आपको 2-in-1 आपको मिल जाता है, तो अपने अलग से हाइलाइटर या अलग से ब्लशर परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ अपने चीक्स पर, बहुत ही अच्छा ग्लो मिल जाता है इससे, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर का वर्क करता है। तो आप मेरा फेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। सारे फेस को सेट करने के लिए यहाँ पे ADS का सेटिंग स्प्रे का यूज़ करी हूँ, बहुत ही अच्छा सेटिंग स्प्रे है, आपका जो है इससे पाउडर इफेक्ट होता है जो फेस का वो जो है कम हो जाता है एंड आपका फेस जो है आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और आपका फेस जो है वो ड्यूई एंड ग्लोई लगने लगता है। तो इस तरीके से आपने जो है थोड़ी देर जो है स्प्रे को जो है सूखने देना है। मस्कारा के लिए यूज़ करी हूँ मालियाओं का मस्कारा, काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी अफोर्डेबल है। तो इस तरीके से आपने मस्कारा अप्लाई करना है, उसके बाद अपने लैशेज वगैरह अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं मस्कारा अप्लाई कर लेती हूँ। लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ ब्लू हेवन की लिपस्टिक, ये काफ़ी अच्छा कलर है, बहुत ही अच्छा शेड है, इसका शेड नंबर है 08। अगर आपको शेड भी परचेज करना है तो काफ़ी अफोर्डेबल लिपस्टिक है एंड बहुत ही अच्छी है, इसके शेड्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक, आई होप से कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।